हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इसी सीरीज में आज मैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, जो किसी भी वन डे कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रश्न है, सिनेबार किसका खनिज है? तो सिनेबार पारे का खनिज है और पारे को Hg से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा, और अप्सरा का जो चित्र है ये है। अगला क्वेश्चन है, डायनोमो किस सिद्धांत पर आधारित है? फैराडे के नियम पर आधारित है। लिफ्ट की खोज किसके द्वारा की गई? लिफ्ट यानी कि एलिवेटर, जिसका उपयोग ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में चढ़ने के लिए किया जाता है। तो इसकी खोज की ओटिस ने। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर है, ये चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं सीधा। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 310 केल्विन। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, ये जेट इंजन है, ये जेट इंजन देख रहे हैं आप, तो ये रैखिक संवेग संरक्षण के नियम पे कार्य करता है। क्वेश्चन है, एक फैदम बराबर है 6 फीट के? दोस्तों, जो फैदम होता है वो गहराई को मापने की एक यूनिट होती है, ठीक। और जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं फैदोमीटर, और यही गहराई को मापता है, ठीक। तो एक फैदम 6 फीट के बराबर होता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन है दोस्तों, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी को मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो है पारसेक। किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? आप देख रहे हैं इंद्रधनुष में जो वायलेट कलर होता है, ये देख रहे हैं विद्योर में जो वायलेट कलर होता है, बैंगनी रंग, इसका अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो पिक्नोमीटर का उपयोग, ये पिक्नोमीटर है, इसका उपयोग घनत्व यानी कि डेंसिटी मापने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ये ऊर्जा का मात्रक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। एनोमोमीटर क्या मापने के काम आता है? एनोमोमीटर ये है, आपने देखा होगा इसको, इंस्ट्रूमेंट को, ये पवन के वेग को, अगर इंग्लिश में बोलो तो एयर की वेलोसिटी को मापने के काम आता है। क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्रण है? पीतल एक मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है दोस्तों। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? जो रेबीज का टीका है उसकी खोज की थी लुईस पाश्चर ने। और रेबीज जो होता है वो मेनली पागल कुत्ते या फिर बंदर के काटने से होता है, और जो इसका विषाणु है उसका नाम है लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट, याद रखिए लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन आज का, एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के? तो एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग। अगर आप चैनल में नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।